हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आप सभी का इस स्टडी बिट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 में जो भी बच्चे देने वाले हैं उसके लिए मोस्ट वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं हिंदी का, जो कि हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 5 चैप्टर करेंगे। तो जो भी बच्चे 1 से 4 चैप्टर का वीडियो नहीं देखे वो जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए। और दोस्तों, ये वेबसाइट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, www.studybitin। तो यहाँ से भी आप लोग सर्च करके फ्री आपको स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और मोर देन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नागरिक लिपि, जिसका लेखक है गुनाकर मूले जी। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो अभी मैं बताई हूँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, गुनाकर मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखक की लिपि को कहा है, यानी क्या कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, नंदी नागरी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द लिपि में अंकित है, तो उसका क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 3 का डी, देवनागरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड देवनागरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि हिंदी लिखी जाती है, तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर वेतमा दान पत्र किस समय का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, 1020 ईस्वी के समय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, यानी पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से या उत्तरी भारत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, दक्षिणी भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत इतिहास और संस्कृति नामक पुस्तक किनकी रचना है। भारत इतिहास और संस्कृति नामक पुस्तक की रचनाकार है वो है गुनाकर मूले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है, तो ये भी किसका है, गुनाकर मूले जी का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, किस शासन का लेख नंदीना नगरी में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ के गुहिल, सांबर, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गहरवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कि देवनागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है, तो तमिल नहीं लिखी जाती है। तो लिखी क्या जाती है, हिंदी, मैथिली और नेपाली, सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, गुनाकर मूले ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए भी, दोनों, यानी ब्राह्मी लिपि और सिंधम लिपि दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। उत्तर भारत के नागरिक लिपि को हम देवनागरी लिपि से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, महमूद गजनबी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, मराठी भाषा की लिपि है, तो मराठी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरिक लिपि की खाली स्थान है, यानी माँ, पुत्री, बहन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, मात्यखेट के राष्ट्रकूट तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, देवनागरी नंदीना गढ़ी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा, नंदीना गढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति और
नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 18 का बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, मालवा में नागरी लिपि का प्रयोग होता था, इसका उल्लेख किसने अपनी पुस्तक में किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए अलबिरुनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, राष्ट्रकूट शासन की नींव किसने डाली थी? तो राष्ट्रकूट शासन का जो नींव है किसके द्वारा डाला गया था? दंती दुर्ग के द्वारा डाला गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि सरहद पाद है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? प्रख्यात विद्वान एका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि मिहिर भोज के ग्वालियर प्रस्ति किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2 सदी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, बेत माह कहाँ है, यानी पटना के पास, पुणे के पास, इंदौर के पास या इलाहाबाद के पास? तो इसका राइट आंसर जो है 25 का सी, इंदौर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, दक्षिण भारत के किस राजा के प्रलयम तामपत्र मिले हैं? इसका राइट आंसर जो है 26 का बी, राजा वर्गुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, नागरी लिपि निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि पुस्तक से लिया गया है, अक्षरों की कहानी से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है, यानी आरंभिक नागरिक का मिलने लग जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए, 8वीं-9वीं सदी से। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग 5 चैप्टर भी हिंदी का कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और आपके इसी चैनल पे 7 बजे शाम को मैथ का लाइव क्लास चलता है, जो कि आपको सर लेते हैं क्लास, तो जुड़िएगा ज़रूर, ठीक है। और लिंक को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्त मिल करके हम लोग मैथ का भी स्टडी करेंगे 7 बजे शाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।